है इंडियन बैंक, इसके जून तिमाही के नतीजे आए हैं और नतीजे मिले जुले रहे हैं और कंपनी का जो बैंक का जो मुनाफा है वो 365 करोड़ से बढ़कर 369 करोड़ रुपए हुआ है। ब्याज से आए जो है उसमें भी दोगुना के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन जो एसेट क्वालिटी है वहां पे दबाव देखने को मिला है। लॉकडाउन का एसेट क्वालिटी पर कितना असर हुआ है, मॉरिटोरियम से बैंक की कितनी है लोन राशि, साथ ही आगे के लिए क्या है ग्रोथ का आउटलुक, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है इंडियन बैंक की एमडी एंड सीईओ पद्मजा चंद्रू जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद अपना समय आज जी बिजनेस को देने के लिए। पहली बात तो मैम रिजल्ट्स पे ही आपके नंबर्स अगर हम देखें तो काफी मिले जुले देखने को मिले, मिले जुले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मुनाफा है वो जरूर बड़ा है, नंबर्स हालांकि कंपेरेबल नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है कि मर्जर हुआ था, मुनाफा बढ़कर आया, लेकिन एसेट क्वालिटी इसमें हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो ग्रॉस और नेट एनपीए है उनका जो नंबर है वो बढ़कर आया, इनफैक्ट ग्रॉस एनपीए का नंबर तो 10% के पार पहुंचा दिखा, ऑलमोस्ट 11% हो गया, ये मैं क्वार्टर क्वार्टर नंबर्स बोल रहा हूं। तो मैम अगर आप एक्सप्लेन कर पाए ये जो एसेट क्वालिटी को लेके जो सिचुएशन है कितनी दिक्कत है, आप कितने कंसर्न कितने चिंतित है इससे? धन्यवाद आपके शो पे इंडियन बैंक को अपॉर्चुनिटी देने का। जैसे आपने बोला है ये तो पहली अमलगमेशन या समावेशन अलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ, उसके बाद ये पहली क्वार्टर है पहली तिमाही, तो ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत अच्छा दिखता है। आपने जो कंपैरिजन किया है वो इंडियन बैंक स्टैंड अलोन लास्ट ईयर की कंपैरिजन है, तो वो ऐसा कंपेयर करना इतना अच्छा पिक्चर नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया लास्ट ईयर अलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का दोनों का कंबाइंड बैलेंस शीट लेके कंबाइंड फिगर्स लेके कंपेयर किया है, तो उसकी उस तरह देखने से हमारा पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अमलगमेशन बहुत अच्छा स्मूथ निकला है। 1 अप्रैल पर अमलगमेशन हुआ है और अभी जारी है आईटी वगैरह, तो ये पहली तिमाही बहुत चैलेंजिंग भी था क्योंकि पहले तो ये अमलगमेशन था, दूसरे नया बैंक था और हमारे ये कोविड की भी चैलेंज थी, लेकिन इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिखाया है। ये मैं ऐसे कहती हूँ क्योंकि जब आप लास्ट ईयर कंबाइंड बैलेंस शीट से कंपेयर करें तो पहली बात है ये है कि हमारा जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है कासा, जो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट्स है, इसमें बहुत वृद्धि हुई है। 41% था 1 अप्रैल पे, अभी 42% हो गया और ये आगे चल के 45 होने का हमारा प्लान है। दूसरी आपने जो कहा है कैपिटल एसेट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी जब हम देखते हैं लास्ट ईयर तो एनपीएस दोनों कंबाइंड बैंक का बहुत ज्यादा था, 12% से भी ज्यादा था और 1 अप्रैल को 11.49 था, अभी 10.9 पे आ गया, सो एक्चुअली कम होता जा रहा है ग्रॉस एनपीए जो है वो एसेट क्वालिटी के इश्यू, और वैसे नेट एनपीए भी कम होता जा रहा है और अभी आ गया है 3.7 पे, तो ये भी लास्ट ईयर से और 1 अप्रैल से कंपेयर करने से बहुत कम हुआ है। इसके और एक पॉइंट है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारी ऑपरेशंस का मुनाफा है वो बहुत बड़ा है 23%, और उसकी वजह से हम चाहते थे तो बहुत ज्यादा नेट प्रॉफिट दिखा सकते थे, लेकिन हमने प्रोविजन अपफ्रंट ले लिया है। जो बड़े अकाउंट्स थे जिसमें फ्रॉड का डिक्लेरेशन हुआ था, हमने पूरा 100% प्रोविजन इस क्वार्टर में कर दिया। वैसे स्टाफ का जो वेज रिविजन का एमओयू साइन हुआ है उसकी वजह से और एक 250 करोड़ का प्रोविजन लिया है, और इंटरेस्ट जो ये मॉरिटोरियम में अकाउंट्स है उन सब में नॉट ओनली जब आरबीआई कहती है कि 5% करिए 10% करिए, हमने 15% कर दिया और वो इंटरेस्ट जो उन अकाउंट्स पे है उसको भी हमने प्रोविजन कर दिया। तो हमें बहुत जागरूकता से जा रहे हैं आगे, हमको बहुत तसल्ली हो रही है कि ये समामेलन अच्छा निकल रहा है। हम बहुत इसमें 6-7 महीने से बहुत काम चल रहा है और वो काम भी इस साल और अगले साल सफलता से दिखाएगा। जी मैम आपने प्रोविजनिंग की बात करी, मैं इनफैक्ट आपसे पूछने ही वाला था, और कोविड जाहिर सी बात है काफी चैलेंजिंग क्वार्टर था कोविड की वजह से, लेकिन कोविड की वजह से आपने कितनी प्रोविजनिंग करी है, और आप अगर मुझे एक नंबर दे पाए कि आपका मॉरिटोरियम बुक का फिलहाल कितना हिस्सा है और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके अगर आप बता दें।
हाँ, पहले क्वार्टर में मॉरेटोरियम ज्यादा था, जैसे आपको मालूम है मॉरेटोरियम तो शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में, वो पहले तिमाही थी, और फिर दूसरा हो गया जून जुलाई अगस्त, अभी खत्म होने वाला है। पहले तिमाही में ज्यादा मॉरेटोरियम लिए हैं लोग, स्पेशली वो एमएसएमई रिटेल और थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट्स भी, लेकिन जब दूसरे तिमाही में आ गए तो मंथ बाई मंथ हमारा जो कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, और वो अभी आके मॉरेटोरियम जून में 23% था, और अभी जुलाई में जब हम देखे 31 जुलाई को भी हमने पूरा अकाउंट्स निकाल के देखा है कि कितना रिकवरी आ रहा है, तो हमने इसमें दो वर्ग किए हैं, एक है जो टर्म लोन्स में वन इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू है और दूसरा जो टू इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू है। तो हमने देखा कि जब एक महीना का इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, बाकी पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया अप टू मे, तो वो लोग है 20% का लोन्स, और दूसरा है जो वन इंस्टॉलमेंट आई मीन टू इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, वो लोग इट इज कमिंग डाउन टू 7%। तो आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट्स का इम्प्रूवमेंट हो रहा है रिकवरी में, ये आगे चल के हमको इतना देखने को मिलता है कि रिकवरी अच्छा हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारी एसेट क्वालिटी अभी से भी बढ़ के अच्छा हो जाएगा। हम एक एक अकाउंट निकाल के देखते हैं तो इतना तसल्ली होती है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगा, इतना ज्यादा शॉक आने की संभावना नहीं है। दो कारण है, एक है इंडियन बैंक ने ये बड़ी जो इंपैक्टेड सेक्टर्स है एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, रिटेल, इनमें हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, और एक बात है इंडियन बैंक में एक अकाउंट या एक कंपनी में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बहुत डाइवर्सिफाइड बुक है, इसकी वजह से हमको लगता है कि हमारा एसेट क्वालिटी बरकरार रहेगा। okay. और दूसरी बात क्या जी, यस प्लीज, तो आप कह रहे हैं कि आगे भी एसेट क्वालिटी में जो सुधार है वो कहीं ना कहीं जारी रहता है वो दिखेगा, और आपने काफी अच्छे तरीके से अपने जो अकाउंट्स हैं, कलेक्शंस हैं, उनको मैनेज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज नतीजों पे बातचीत करने के लिए, सारे नंबर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो ये तो था इंडियन बैंक का मैनेजमेंट, लेकिन इस बीच मार्केट्स पे एक बार नजर डालिए, 11,316 के